आप यहाँ का मूल्यांकन करके काफी दिल खुश हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर बनेगा और इतना हवादार, पंखों की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं देख करके मन खुश है। और मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि मेरे स्वास्थ्य परमिट नहीं करता है। अब क्या है कि आप लोगों के हंसते चेहरे और ये खिलखिलाता हुआ सीमेंट, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान था जो आज पूरा होते हुए दिख रहा है। पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। मैं कुछ लिख के लाया बोल सकता हूँ लिख के? यस सर। लड़की लोग बेटा इधर आओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्येति। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, पहले प्रार्थना कर लेना। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब भद्र भाव देखें, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिको दुनिया में कोई हो, दुनिया में न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। आज के दिन इस अवसर पर सीवेज में जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अभिभूत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी बढ़िया, इतने कम समय में इन लोगों ने तैयार किया है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने एक बार कहा था, आपको याद है कि नहीं, ज्ञान अक्षरों का ऐसा विलक्षण फूल है जो कभी नहीं मुरझाते, जो कभी नहीं मुरझाते, जिसकी मोहक सुगंध यूं-यूं तक मानो को हर्षित करती रहती है। मैं चाहता हूं कि आने वाला समय आपके भविष्य का निर्माण हो और आपके सुखद जीवन की यहां पर हम निर्माण कर रहे हैं। आपका भविष्य जितना सुंदर होगा उसकी कल्पना हमारे मन में है, जो हम चाहते हैं कि आपके जीवन में उतरे। और आप आज के जो कष्ट सह रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सारा जीवन उसका फल मिलेगा। सारा जीवन आप सुखी रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा और आप जहां भी जाएंगे महत्व भी दिखाई देंगे। और उस समय हमें यह जरूर आभास होगा, ये मेरा बच्चा था, ये मेरी कल्पना थी और ये बच्चा आज तैयार होकर करके संसार में मानवता के लिए भी काम कर रहा है। और मैंने बार बार कहा है कि अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना, इसलिए तो बड़े अरमान से तुमको पालन पोषण किया है, अपनी कष्टों को सह करके कुर्बानी कर करके तुम्हारे जीवन को सुखद बनाया है। और जो लोग माँ बाप को सुखी नहीं रख सकते वो खुद भी सुखी नहीं रहते। इसलिए आप अगर सुखी रहना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत माँ बाप को जरूर करें जो आपसे बन पाता है। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था कि हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई करने के लिए अन्य राज्यों में न जाए, ये हमारी परिकल्पना थी और वो परिकल्पना धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है।
उन्हें हम सर्वोत्तम सर्वोपरि और सुखद स्थिति दे पाए, ये हमारी कोशिश है कि हम आपके जीवन को बदल सके और आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद अनुभव लेकर के यहां से जाए। आज का संस्थान एक वट वृक्ष के स्वरूप में आपके सामने है। हम चाहते हैं कि यहां से तैयार बच्चे अपने परिवार तथा अपने राज्य का नाम रोशन करें। इसीलिए जागो हर ठोकर जगाने के लिए है, हर चोट संभालने के लिए है, हर शिक्षा आपको लाभ देकर संभालने के लिए है। इसीलिए संसार में अगर हित चिंतक कोई हो सकता है तो हो सकता है जिसके माध्यम से ज्ञान मिले, जिसके माध्यम से दिशा मिले, जिसके माध्यम से होश आ जाए, वह सदगुरु ही सबसे बड़ा रिश्तेदार हो सकता है। अतः जरूरत है कि हम माथे पर शिथिलता, विपरीत स्थिति में खुश रहने की आदत और चेहरे पर प्रसन्नता एवं सहनशीलता को अपनाए रखें। समझ में आ रही बात? कुछ तो करो, इसीलिए बोला गया एक ग्लास पानी मंगा। रामायण काल की उस पीड़ादायक घटना को याद कीजिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को वनवास दिया गया। आप तो जानते हैं उनको वनवास दिया गया। उनके वनवास से शोकाकुल पिता ने अपने प्राणों की त्याग दिया। भरत भी बैरागी बन गए। उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। माता कौशल्या जिनके बहू और बेटा दोनों बन चले गए और सामने पति की लाश पड़ी हुई है, उन्हें सामने खड़ी कैकेयी और मंथरा भी दिखाई देती है। उस विषम स्थिति में माता कौशल्या संतुलन खोकर कुछ भी कह सकती थी, लेकिन हमारा आदर्श था कि विषम स्थिति में भी संतुलन नहीं बिगड़ने देना। उस समय माता कौशल्या के मुख से कुछ भी ऐसे शब्द नहीं निकले जिससे घर में और परिवार में विघटन पैदा हो। मां, क्या इससे अधिक मधुर कुछ और हो सकती है? मन के तारों को चिंतित कर देने वाले एक स्वर मां हजारों घुंघरुओं के झंकार फीकी है, जिसके सम्मुख संसार में कोई शब्द इतना मीठा नहीं है, संसार में कोई स्पर्श इतना शीतल नहीं है, संसार में कोई संबंध इतना सच्चा नहीं है, संसार में कोई प्यार इतना पावन नहीं है। अनादिकाल से मां पूजनीय है और सृष्टि पर्यंत तक रहेगी। इसको गहराई से लेना, इसमें मैंने बहुत पाताल से निकाल के शब्द लाए हैं, ये सब का सब जानते हैं, लेकिन इसमें गहराई है, उस गहराई को थोड़ा सा मन की गहराई में लेकर आना। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त का एक एक कण मां का ऋणी है, एक एक कण मां का ऋणी है। ऐसा ऋण
जो संतान चाहे तो भी करोड़ों जन्मों में भी नहीं दिला सकता। जीवन की कड़ी धूप में जब कदम ठिठक जाते हैं तब शरीर सीधा हो जाता है, हो जाए मस्तक पर श्रम श्वेत बिंदु झील मिलाने लगे, तब उसका हिमाचल एक सघन शीतल छाया वृक्ष बनकर सारी विश्रांति दूर कर देता है। पिता हमारी आत्मा में बसा, हमारा मन हमारा प्राण है, हमारा जन्मदाता सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा सुचिंतक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, हमारी कल्याणकारी परम मित्र तथा हमारा सच्चा गुरु है। वह सदा सर्वदा पूजनीय एवं वंदनीय है। उनका हृदय अति विशाल है, अपने शिशु के प्रति उसके मन में जो तरंगे उठती हैं, उनके अपने बालक की प्रथम किलकारी सुन जो हर्षोल्लास उनके नेत्रों में चमक उठता है, उसी तुतली बातें सुन जो स्मित उनके अधरों पर खेल जाती है, उसका वर्णन करने की क्षमता अभी तक किसी कलम में नहीं, ना कलम में नहीं आई। वह पिता ही है जो अपने बालक को उन्नति के पथ पर अग्रसर देख देख गौरव से भर जाता भर उठता है। उसका ईर्ष्या भाव नहीं रखता, इसीलिए उसे परम हितैषी परम मित्र तथा परम मित्र कहा गया है, क्योंकि वह चाहता है कि उसके बच्चा उससे भी अधिक ऊंची ऊंचे उठे। इतनी ऊंचाई इस समाज में एक आदर्श बन जाए, वह अपने बालकों को उत्तम संस्कार तथा संस्कार का पोषण करता है। इस दृष्टि से वह एक श्रेष्ठ गुरु प्रतीत होता है। वह स्वयं भूखा रहता है किंतु कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता, रहने नहीं देता, अपने पास स्मित इस अपने पास स्थित अन्न का अंतिम कौर वह अपने बच्चों को दे देता है। अपनी संतान के पालन पोषण में कोई कमी नहीं होने देता, कभी कोई कमी होने नहीं देना चाहता। वह हर वस्तु अपनी संतान को देना चाहता है जो जीवन में उसे नहीं मिल पाई। यदि आज वे वृद्ध हो गए हैं, शक्तिहीन है, तो भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा में अपना तन मन धन अर्पित कर दें, क्योंकि हमें युवा करने में तथा शक्तिशाली बनाने में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया है। सशक्त हो जाने पर भी उनके समाज में, असक्त हो जाने पर भी उनके सम्मान में कोई कमी ना रखें। कठोर शब्द की कुल्हाड़ी से उनकी कोमल भावनाओं को जड़ों को कभी ना काटें, क्योंकि आंगन में लगा वट वृक्ष फल दे या न दे वह धूप से सदैव रक्षा करता है। देश के साथ बड़ी विडंबना यह है कि उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी, वे आजाद भारत के सुख भोगने के लिए नहीं बचे।